अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेएन न्यूज़ एचडी। आइए एक नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। मीरपुर खास ब्यूरो चीफ इकबाल गौरी मीरपुर खास सिंध झड्डू बैतुल इस्लाम खैमा बस्ती नंबर 3 में राशन और पानी के कैन की तकसीम झड्डू नूकोट मीर जान मोहम्मद में वाक़े 400 खैमों पर मुश्तमिल आलमी अदारा बैतुल इस्लाम के मिसाली खैमा बस्ती नंबर 3 में गुज़श्ता रोज़ राशन और 30 लीटर पानी की कैन तकसीम किए गए। इस तकरीब में बैतुल इस्लाम के मौलाना जियाल हक मुफ्ती, सगीर मौलाना रईस अहमद मुफ्ती, सलीम कारी, अब्दुल सत्तार और कारी अर्तुगल ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक बैतुल इस्लाम झड्डू के जिम्मेदार मुफ्ती इमरान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आलमी अदारा बैतुल इस्लाम पूरे पाकिस्तान की तरह सैलाब से शदीद मुतासिर झड्डू देहात में पहले दिन से खिदमत खल्क में मसरूफ हैं। बैतुल इस्लाम ने पहले 2 खैमा बस्तियां कायम की और गुज़श्ता 1.5 माह से पहले 3 और फिर 400 खैमों पर मुश्तमिल तीसरी बड़ी और मिसाली खैमा का मुकम्मल इंतजाम जिसमें राशन पानी, मेडिकल अदवायात, स्कूल के मस्जिद, मदरसा, तालीम तरबियत वगैरह शामिल हैं संभाले हुए हैं और गुज़श्ता रोज़ इस बस्ती में राशन पानी के कैन वगैरह भी तकसीम किए गए। मुफ्ती इमरान ने मजीद बताया कि देहातों में पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है, इसलिए खैमा बस्ती में मुकीम 400 खानदान आज से अपने अपने इलाकों को रवाना होना शुरू हो जाएंगे और इंशाल्लाह अनकरीब झड्डू के इलाके में मुतासर मस्जिद और घरों की तामीर पर भी तवज्जो दी जाए।